ठंड का मौसम और खिली खिली धूप में आज फिर हम निकल पड़े हैं एक नए सफर पर। और इस सफर में हम जा रहे हैं कौसानी, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सफर इतना मज़ेदार था कि रोड साइड नज़ारों को शूट करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया और हम सब सुकून भरा सफर एंजॉय करते हुए पहुंच गए कौसानी। कौसानी रानीखेत से 60 किलोमीटर की दूरी पे है और मझखाली के पास एक रोड क्षतिग्रस्त है, तो हम यहाँ सोमेश्वर होते हुए आए और हिमालयस को और करीब से देखने के लिए आ पहुँचे। तो अभी हम चल रहे हैं कौसानी की सड़कों पे और ये है डेक्स्टर और ये पूरा परिवार हमारा। यहाँ हम सब ने फोटोज एंड वीडियो शूट करी, रोड पर वॉक किया और सुनहरी वादियों का आनंद लिया। यहाँ घूमने की जगह तो काफ़ी सारी हैं, जैसे रुद्रधारी वाटरफॉल, रजना टेम्पल, टी गार्डन, शॉल फैक्ट्री, ऑब्जर्वेटरी, पर हमने अनाशक्ति आश्रम से हिमालय का भरपूर आनंद लिया और कुछ पल सुकून के बिताए। इसी दौरान हम सबको भूख भी लग गई और हम आ पहुँचे ब्रोस कैफे। और फिर क्या था, मोमोज, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, बर्गर का लुत्फ लिया और चाय से अधूरी कमी को भी पूरा किया। भाई, पहाड़ों में होते हुए चाय तो बनती ही है, पेट में इतना सब जाते ही हम सब रिचार्ज हो गए वापस से रानीखेत आने के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नए सफर में एक और नई खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल ट्रैवलिंग की सदरू रिखाड़ी के साथ एक्सप्लोर करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।